क्या खावर, ये मुझे जो अलीना का भी जो सवाल है, पहले तो शायद ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अब ये जो फिल्टर लगाया हुकूमत ने, बड़ी एक वारदात की है बारीक, उसके बाद तो अपोजिशन की बात में कुछ थोड़ा वजन लगता है हमें। देखिए बिल्कुल लगता है। देखिए वो जो कहते हैं ना कि समथिंग इज इनसाइड, वो जो है ना, देयर इज समवेयर रैट जो कि स्मेल कर रहा है। बिल्कुल देखिए, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहले तो मैं इस कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ हूँ कि कानून साजी आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए क्यों करते हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस का अगर आप शिक पढ़ें आर्टिकल 89, तो उसमें तो ये लिखा हुआ है कि जब असम्बली सेशन में ना हो या पार्लियामेंट सेशन में ना हो, और उस वक्त कोई ऐसी एक अफ्तात पड़ गई है, कोई ऐसी एमरजेंसी क्रिएट हो गई है कि जिसके बारे में फेडरल गवर्नमेंट को कानून ज़रूरी बनाना है रातों रात, तो वो ऑर्डिनेंस की शक्ल में आता है, जिसको एक 120 दिन के अंदर अंदर जो है उसको फिर आपको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाना पड़ता है। अगर वो उस वक्त भी ना बने तो फिर उसको मज़ीद आप 120 दिन की तोसी दे सकते हैं कौमी असम्बली में एक करारदाद के ज़रिए। तो उसको अगर आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाएंगे तो वो कुछ अरसे के लिए तो नाफिज़ुल अमल रहेगा, लेकिन उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो मैं इस कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ हूँ ऑर्डिनेंस के, और दूसरा ये है कि एक लफ्ज़ होता है जो आप इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज की जब बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि फ्रॉड विद दी लेजिस्लेशन। तो इस तरह की हरकतें जो होती हैं वो यही समझा जाता है कि ये कानून में फ्रॉड है। तो इस पर उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स भी मौजूद हैं, और ऐसे कवानीन को डेप्रिकेट किया गया है और उनको सेट असाइड भी किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि कवानीन साजी जो है वो बिल्कुल वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, किसी एक ग्रुप को फोकस करके या उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। और इसीलिए जो कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर जो कानून साजी का आईन में एक तरीका कार दिया गया है कि उसमें आपकी स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, उसमें सबकी राय आती है और उसके बाद एक सोच समझ के कानून साजी की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जब हम उससे इनहराफ करेंगे तो इस तरह की सूरत हाल कानून साजी में सामने आती रहेगी, जो बाद में सुपीरियर कोर्ट्स में चैलेंज होके वो स्ट्राइक डाउन भी हो सकती है। अच्छा, एक और बात शाह खावर, मैं चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान फरमाया था कि वो सवालों के जवाब दिया करेंगे कौमी असम्बली में, फिर ये कहा गया कि अपोजिशन उन्हें बात नहीं करने देती, और अब वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट में बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कम आते हैं, बड़े जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उस पर वो कौम से कहते हैं मैं खिताब करूंगा। हालांकि पूरी दुनिया में जहां पर ये पार्लिमानी जमहूरियत चल रही है, लंदन की वो बरतानिया की खुद वो मिसालें देते हैं, वहां पे वज़ीर आज़म साहब फ्लोर पे जाके, फ्लोर ऑफ द हाउस जाके वो गुफ्तगू करते हैं, जिसको टीवी जो है नेशनल मीडिया वो दिखाता है उनको। तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनकी ये टेंडेंसी जो है वो पार्लियामेंट में नहीं जाते और कौम से आके खिताब करते हैं, क्या सवालात से डरते हैं, क्योंकि जो वो कुछ कर रहे हैं उनको फिर यही बता दिया जाता है कि जनाब वहाँ पर आप जाएंगे तो बड़ा वो तो आपको पकड़ लेंगे, बात नहीं करने देंगे, क्योंकि ये जो बात है ये तो उनके मैनिफेस्टो के ख़िलाफ़ है, इलेक्शन से पहले वो जो वादे करते थे उनके ख़िलाफ़ है। क्या वजह है कि वो पार्लियामेंट की बजाय कौम से खिताब को तरजीह देते हैं, और वैसे जमहूरियत की बात होती है लेकिन पार्लियामेंट को इंतहाई खुद उन्होंने बेतौकीर कर दिया, कोई भी इम्पोर्टेंट इशू जिस पर वो एग्री भी करते हैं उसको पार्लियामेंट में ले जाने से घबराते हैं, कहते हैं नहीं पार्लियामेंट में ले गए तो ये मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। जी सभी देखें, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं वो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं नेशनल असम्बली में, और उसके बाद जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक पार्लिमानी रवायात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब भी वहाँ पे ख़िताब करने की कोशिश की अपोजिशन ने उधर बहुत ज़्यादा एक हंगामा क्रिएट किया और उनकी आवाज़ जो है वो उनके शोर में या नारों में भी दब गई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो अरेंजमेंट है ये एक अच्छा माहौल जो पार्लियामेंट के अंदर क्रिएट करने का है, ये तो या तो स्पीकर नेशनल असम्बली या चेयरमैन सेनेट का बनता है, या आपकी अंदर एडवाइजरी कमेटीज़ होती हैं स्पीकर ने बनाई होती हैं जिसमें रूल्स ऑफ द गेम तय होते हैं, उसमें बाकायदा एक तरीक़ाकार वज़ा किया जाता है कि अभी जो इजलास होने वाला है उसमें
लीडर ऑफ द हाउस ने भी आना है, उसमें अपोजिशन लीडर ने भी खिताब करना है, और जिसका जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो उधर दी जाए और उनको वहाँ पे बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे ये है कि ये जो ज़्यादा पार्लियामेंट के जो जो निज़ाम है उसको ऑर्डर में रखने का ज़्यादा जिम्मेदारी और फ़ायदा जो है वो हुकूमत को होता है, क्योंकि हुकूमत ने वहाँ पे अपने चीज़ें आवाम के सामने या पार्लियामेंट के सामने रखनी होती हैं। तो वहाँ पे अगर हमने देखा है कि जब अपोजिशन के कुछ लोग बोल रहे होते हैं या अपोजिशन लीडर बोल रहे होते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, तो वहाँ पे हुकूमती वज़रा और अराकीन जो है वो ख़ुद उस ऑर्डर को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। तो फिर ला महाला जब लीडर ऑफ द हाउस भी हाउस में आएंगे तो अपोजिशन भी उसी तरह रेसिप्रोकेट करेगी। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों को, ट्रेजरी बेंचेस को, असेंबली में एक ऐसा माहौल ज़रूर जो है एक कायम करना चाहिए अपनी अपने बाहमी मशावरत से और एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करते हुए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सूरत हाल हो तो फिर कोई भी असेंबली में जाने से घबराएगा भी नहीं, और वैसे भी मैं समझता हूँ कि घबराना चाहिए भी नहीं। आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सेनेट में जाएं, आप कौमी असम्बली में जाएं, लोगों के सवालात के जवाब दें। और इसमें यह भी मैं आपको बताऊं कि अवाम से ख़िताब करना भी कोई बुरी बात नहीं है, कि आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन्होंने मेजॉरिटी में आपको मुंतखब किया है, तो आप किस कई मौके पर अवाम को भी कॉन्फिडेंस में लेते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट या जो कानून साजी है या आपने और जो बिज़नेस चलाने हैं, वो आपका घर जो है वो फिर कौमी असम्बली है, उस पे आप एक अच्छा माहौल कायम करें, आप वहाँ पे जाएं, और चूंकि प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस है वो जवाबदेह है, तो फिर वो कौमी असम्बली को है और आवाम को भी। अच्छा, ये आज लोकल बॉडीज़ के हवाले से भी कोर कमेटी ने फैसले किए हैं, और वो के इलेक्शंस जो हैं बड़े शहरों में वो डायरेक्टली होंगे मेयर्स के। इस वक्त जो पोलिटिकल सूरत हाल है, महंगाई जितनी ज़्यादा है और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो जिनसे भी हमारी बात होती है वो थोड़े मायूस हैं मिस गवर्नेंस की वजह से, मामलात की वजह से। व्हाट डू यू सी एज ए पॉलिटिकल वर्कर के ये जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हैं, कैंटोनमेंट के इलेक्शन में तो तहरीक इंसाफ कोई इम्प्रेसिव नहीं दिखा सकी, और अब उसके बाद उन इलेक्शन के बाद महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो व्हाट डू यू सी एज ए पॉलिटिकल वर्कर? जी देखिए, मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, महंगाई है और बेरोज़गारी है और वसाइल की कमी है, वो तो ज़रूर वो पेश नज़र होगी अब वोटर्स के नज़दीक। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि वो पॉजिटिव जो हमने सुना है कि वो अभी जो लॉ लाने जा रहे हैं उसमें जो शहरों के मेयर होंगे या ज़िला काउंसिल्स के चेयरमैन होंगे, उनका डायरेक्ट ज़िला या शहर जो है वो हर शहरी इंतखाब करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, और लेकिन उसके साथ साथ फिर आपने उस मेयर को या ज़िला काउंसिल के चेयरमैन को इंतज़ामी, माली और ये और अमन व अमां के जो है इख्तियारात ये भी देने पड़ेंगे, जिस तरह के आपकी US में जो स्टेट्स गवर्नर्स होते हैं वो काफ़ी बाइख्तियार होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये एक कॉन्सेप्ट लाया भी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुझे याद पड़ता है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी जब लोकल बॉडीज़ के लिए एक कमीशन बनाया था, वो बैरिस्टर कमाल असफर कमीशन था, उन्होंने भी जो एक लोकल बॉडीज़ का एक जो एक खाका पेश किया था उसमें भी डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स का कॉन्सेप्ट था और उनका इलेक्शन भी डायरेक्ट होना था। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर उनके पास इख्तियारात हों, माली, इंतज़ामी, हर तरह के, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसमें फिर ये फ़ायदा होगा कि जो छोटे सूबे जो ये शिकायत करते हैं कि हमें प्रॉपर जो है वो नुमाइंदगी नहीं मिलती या हमारे इख्तियारात कम हैं, हमारी अददी लिहाज से हमें इग्नोर किया जाता है, तो जब ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नरेट या डिस्ट्रिक्ट मेयर या ज़िला काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो डायरेक्ट जब उनका इंतखाब होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर तरीके से अवाम की जो है वो कर सकेंगे, नुमाइंदा होने का जो है अच्छा सबूत दे सकेंगे। तो इसमें मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब, आपका भी, शाहावर साहब आपका भी, शहबाज साहब। मेयर के इलेक्शन के हवाले से जो आ रही हैं खबरें पीटीवी की, पीटीआई की, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हो सकता है जनरल इलेक्शन में अगर मेयर पीटीआई का हो तो बहुत से फायदे हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।